हेलो एंड वेलकम टू द फ्यूचर कोचिंग अगेन। और आप सभी का स्वागत है और द फ्यूचर कोचिंग में। और आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम करेंगे विजयनगर एम्पायर के बारे में। तो जिस समय नॉर्थ इंडिया में मुगल एम्पायर की नींव रखी जा चुकी थी और अकबर वहां पर राज्य कर रहे थे, उस समय साउथ में एक एम्पायर का उदय हुआ, एक एम्पायर का राइज हुआ जिसका नाम है विजयनगर एम्पायर, जिसकी करंट पोजीशन है प्रेजेंट डे कर्नाटका, मैसूर का जो पूरा पार्ट है टिल तुंगभद्रा रिवर। तुंगभद्रा रिवर तक जो अभी तक का जो पार्ट है प्रेजेंट डे में, वो सब विजयनगर एम्पायर का पार्ट है। इसमें आपको मेन मेन इम्पोर्टेंट हेड याद रखने हैं, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन वहीं से आते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, वही मैंने आपको बताया है। तो आज का जो टॉपिक है उसकी आप हेडिंग डालेंगे विजय नगर साम्राज्य, विजय नगर साम्राज्य। तो बेसिकली विजय नगर साम्राज्य जो है, इसमें सिर्फ एक डायनेस्टी ने रूल नहीं किया है, इसमें चार डायनेस्टी ने रूल किया है। सबसे पहली डायनेस्टी है और सबसे पुरानी संगम, दूसरी डायनेस्टी है सुलुम, तीसरी है तुलुम और चौथी है अरावीदु। तो ये चारों डायनेस्टी जो है इसमें इन्होंने रूल किया है, पर इसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट डायनेस्टी जो है वही डायनेस्टी है, वही वंश है जिससे जो है विजयनगर साम्राज्य फ्लरिश किया, जिसके टाइम में दैट इज राजा कृष्णदेव राय। तो राजा कृष्णदेव राय जो है ये तुलुम डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। और इनके बारे में जो आपको याद रखना है वो सोर्स याद रखने हैं कि हमें कहाँ कहाँ से पता चलता है कृष्णदेव राय के बारे में। तो सबसे पहली जो किताब है वो उसका नाम है अमुक्तमाल्यद। अमुक्तमाल्यद खुद कृष्णदेव राय ने लिखी है। फिर एक बुक है मदुरा विजयम, ये गंगा देवी ने लिखी है। और एक बुक है जिसका नाम है मनुचरित्रम, ये अल्ला सानी पेडन्ना ने लिखी है। अल्ला सानी पेडन्ना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर राजमहल में एक दरबार में कोई कवि होते थे या कोई राइटर होते थे, इसी तरह से जैसे कि अकबर के दरबार में अबुल फजल रहे हैं, अबुल फजल जिन्होंने आईने अकबरी लिखी है, सेम एज अल्ला सानी पेडन्ना जो है ये इन्होंने मनुचरित्रम लिखी है। और इन्होंने उस समय की जो कृष्णदेव राय की जो कंडीशन है, उस समय का जो भी सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर रहा है, उस सब के बारे में इन्होंने मनुचरित्रम में बताया है। अपार्ट फ्रॉम दैट, हमारे यहाँ पर उस मेडिवल पीरियड में बहुत सारे फॉरेनर्स भी आए हैं और इन फॉरेनर्स के नाम भी आपको याद रखने हैं। और आपसे पूछा जाता है कि कौन कौन आया था, तो मोरक्को से आए थे इब्न बतूता, और इसमें मैचिंग में भी दे सकते हैं कि कौन मोरक्कन ट्रैवलर आया था कृष्णदेव राय के राज्य में, और इब्न बतूता कृष्णदेव राय के राज्य में भी रहा है, और इसके अलावा वो उस समय मोहम्मद बिन तुगलक के राज्य में भी रहा है। और वेनिस से आए थे निकोलो डी कोंटी, फारस से आए थे अब्दुल रज्जा, पुर्तगाल से डोमिंगो पेस। तो इन चार के नाम याद रखने हैं कि मोरक्कन ट्रैवलर आया था जिसका नाम था इब्न बतूता, या मैनेटियन ट्रैवलर आया था, वेनिस से आया था डोमिंगो पेस, फारस से आया था अब्दुल रज्जाक, और पुर्तगाली आया था डोमिंगो पेस। तो इसमें आपको याद रखना है। इसके अलावा श्रीरंगम कोपर प्लेट जो है ये देवराय सेकंड के बारे में भी बताती है। तो सुलुम डायनेस्टी के जो देवराय सेकंड है ये उनके बारे में बताती है। इसके अलावा अगर हम इसकी विजयनगर एम्पायर की संस्थापना की बात करें, संस्थापक की बात करें, तो इसकी स्थापना हुई थी 1336 में, हरिहर बुक्का ने इसकी नींव रखी थी। तो हुआ क्या था, हरिहर बुक्का जो है ये होयसल किंगडम में थे और ये पहले इस्लाम में कन्वर्ट हो गए थे, लेकिन फिर उसके बाद गुरु विद्यारण्य के शरण में आकर के ये फिर से हिंदुइज्म में कन्वर्ट हुए और इन्होंने होयसल किंगडम में ही अपना विजयनगर एम्पायर का नींव रखी। तो इसके अलावा आपको इसमें याद रखना है कृष्णदेव राय के बारे में। कृष्णदेव राय मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये तुलुम डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। राजा कृष्णदेव राय तुलु डायनेस्टी से बिलोंग करते थे और ये बहुत इम्पोर्टेंट रहे हैं इसके विजयनगर एम्पायर में। तो विजयनगर एम्पायर का जो तुलुम डायनेस्टी है, इसके संस्थापक रहे हैं वीर नरसिम्हा, और कृष्णदेव राय को आंध्र का भोज भी कहते हैं। तो मिहिर भोज आपको याद है,
गुर्जर प्रतिहारा में मिहिर भोज जो थे, राजा भोज जिसे कहते थे, वो अपनी दानक्रियता के लिए जाना जाता है। तो राजा भोज की तरह ही इनको आंध्र भोज भी कहते थे, और इनके राज्य में पिंगाली और तेनाली रामकृष्णा जैसे रहते थे। तो आपने तेनाली रमन नाम से एक शख्स की किस्से सुने होंगे, कहानियां सुनी होंगी तेनाली राम के बारे में, तो वो भी विजयनगर अम्पायर से ही संबंधित थे। इन्होंने दो टेंपल बनवाए हैं, विट्ठल स्वामी टेंपल और हजारा स्वामी टेंपल, और दोनों द्राविड जो आकृति है, जो इसका स्ट्रक्चर रहा है, जो संरचना रही है, वो द्रविड उसमें बनी है, शैली में बनी है ये दोनों मंदिर, विट्ठल स्वामी और हजारा स्वामी। और इन्होंने मंदिर में कल्याण मंडप इंट्रोड्यूस किए थे, तो इनके मंदिर जो है उसमें कल्याण मंडप इन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे, इन्हीं को श्रेय जाता है कल्याण मंडप इंट्रोड्यूस करने का। इसके अलावा इन्होंने नागलापुरम की स्थापना करवाई थी, जिसकी जो जिनकी याद में इन्होंने करवाया था, इनकी पत्नी थी नागला देवी, उनकी याद में इन्होंने नागलापुरम पूरा शहर बनवाया था उनकी स्मृति में। और इसकी इनकी डेथ के बाद क्या हुआ था कि इनका बेटा था अच्युत, और अच्युत देवराय जो है उसके बाद बैटल ऑफ तालीकोटा में इनको हरा दिया गया था, कंबाइन आर्मी जो आदिलशाही आर्मी थी, बाहमनी किंगडम था, उन्होंने हरा दिया था, और उसके बाद जो है विजयनगर एम्पायर वैनिश हो गया। तो 1565 में ये युद्ध हुआ है, इसे राक्षस तांगड़ी युद्ध भी कहते हैं, कभी कभी इसमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसे राक्षस तांगड़ी भी कहते हैं इस युद्ध को, और ये बैटल ऑफ तालीकोटा युद्ध है जो कि 1565 में हुआ था। तो इसमें आपको एक एक नंबर के क्वेश्चन बहुत आराम से मिलेंगे, जैसे कि सोर्स से कि अमुक्त माल्यद किसने लिखी है, तो राजा कृष्ण देव राय ने, मधुरा विजयम किसने लिखी है, गंगा देवी ने, और अल्लासानी पेडन्ना की इसमें से कौन सी रचना है, तो मनुचरित्रम। और जो है विजयनगर एम्पायर के समय कौन कौन से ट्रैवलर आए थे, तो आपको याद रखना है कि मोरक्को से इब्न बतूता, वेनिस से निकोलो डी कोंटी, फारस से अब्दुल रज्जाक, पुर्तगाल से डोमिंगो पेस आए थे, और श्रीरंगपट्टनम कॉपर प्लेट किससे संबंधित है, देवराय सेकंड से ये संबंधित है। इसके अलावा आपको संस्थापक का नाम बहुत पूछा जाता है कि विजयनगर एम्पायर की स्थापना किसने की, तो विजयनगर एम्पायर की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की है, और ये गुरु विद्यारण्या की शरण में इन्होंने फिर से हिंदुइज्म में कन्वर्ट कर लिया था, और इन्होंने विजयनगर एम्पायर की नींव डाली, जिसमें कि मोस्ट इम्पोर्टेंट जो राजा है वो राजा कृष्ण देव राय है। तो इसमें भी आराम से आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट विजयनगर एम्पायर, और इसमें इतना ही एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपको याद रखना है, कहानियां नहीं याद रखनी है, सिर्फ फैक्ट्स याद रखने हैं जो कि इम्पोर्टेंट आपके आते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि कुछ भी बना है, कोई मंदिर बना है, जैसे कि इसमें बना विट्ठल स्वामी मंदिर, हजारा स्वामी मंदिर, तो आपको उस पर नजर रखनी है, या कोई और रचना हुई है उस दौरान, तो आपको उस पर भी उसको भी याद करके जाना है। तो ये जो विजयनगर एम्पायर का है, इसको थोड़ा हम और आगे कंटिन्यू रखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, और हम स्टार्ट करेंगे फिर थोड़ा सा हम आगे जाएंगे मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ, और तब तक के लिए बने रहिए द फ्यूचर कोचिंग के साथ। और गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू TFC, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।